और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कुछ तथ्य आपके सामने मैं रखूंगा, उनसे आप पाएंगे कि ये सरकार किस प्रकार से मजदूरों के विरोध में है और हम मजदूर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक चेतना से इसको धकेलने में, पीछे धकेलने में कामयाब रहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बिल्कुल सही कहा है, जब यूनिटी और ताकत होती है, मैंने एक ताकत कोयला क्षेत्र में हड़ताल की देखी, जिसमें 3 दिन तक हड़ताल हुई और उसमें वो संगठन के लोग भी शामिल हुए जो वर्तमान सत्ताधारी लोगों के साथ में है और आज हमारे इसमें नहीं है। वो दिखावे के संगठन थे, लेकिन उस कोयले की हड़ताल में जब देखा गया कि पूरा ताला लगा हुआ है, किसी भी खदान में एक भी आदमी काम कर नहीं कर रहा है, तो सरकार को अपने पैर कदम रोकने पड़े और वो प्रस्ताव रोक करके पीछे करना पड़ा। दूसरा, अभी हमारी जो डिफेंस की हड़ताल थी, उसमें सरकार ने कब माना, जब वोटिंग के आधार पे भी यह तय हो गया कि वहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद सरकार को झुकना पड़ा और वहां अपने कदम वापस लेने पड़े। तीसरा मौका, अभी जब हमने देखा कि COVID-19 के बंकर में सरकार ने मुंह छिपाने का प्रयास करते हुए हमारे कर्मचारी हितों पे, मजदूर के हितों पे, आम जनता के हितों पे, किसानों के हितों पे, छोटे छोटे कुशल कारीगरों के हितों पे जब हमला किया, तो हमने ये भी देखा कि हमारे बिहार के साथी, श्रम मजदूर साथी किस प्रकार से, यूपी के साथी उस कोरोना काल में जब वो अपनी यात्रा पे गए, तो उनको किस प्रकार से इस सरकार का व्यवहार रहा उनके साथ, कहीं भी हमदर्दी का माहौल, कहीं भी उनके साथ सहयोगात्मक माहौल नहीं रहा, बल्कि उनको कुचलने का प्रयास किया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी बन के आया कि वो मजदूर वर्ग जो संगठित हुआ है, और संगठित वर्ग में राजनीतिक चेतना को साथ में लेकर के बिहार में जो एक संयुक्त प्रयोग हुआ है, जिसमें उस मजदूर वर्ग की भागीदारी है, उस संघर्षशील लोगों की भागीदारी है, उस रोड पे चलते हुए लोगों, श्रम मजदूरों की साझेदारी है, और उस महागठबंधन ने सबसे पहले ये घोषणा करी कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसके बाद जाकर के कोई बिहार की सदन का गठन होगा। इस प्रकार की मजदूरों की बात अगर कोई राजनीतिक चेतना के लोग करें, तो मजदूरों को ये समझने की जरूरत है कि मजदूरों की ताकत भी इस सरकार को समझने की जरूरत है। और आज 26 नवंबर का जो अपना हड़ताल है, ये वाकई एक ऐतिहासिक हड़ताल है। इस ऐतिहासिक हड़ताल में एक चेतावनी है, एक गुस्सा है, एक हमारे दुख, हमारे जो हमारे को जो शोषित किया, हमें जो परेशान किया गया है, उसका एक नजरिया और हमें एक प्रभाव दिखाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के कोने कोने पर जहां पर ट्रेड यूनियन है, जहां पर किसान है, जहां मजदूर हैं, उनको अपनी एकजुटता बताते हुए 26 नवंबर की हड़ताल पूरे देश के कोने कोने में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कोने कोने में भी एक चिंगारी के रूप में उठनी चाहिए, ताकि ये सरकार यहाँ पर जो राजनीतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी बने, तो ये एक भावना डेवलप हो कि जब सरकार बात करे तो पहले मजदूरों के काम की बात करे, इन बेरोजगार हाथों को काम देने की बात करे। देश का खुशहाल जभी होगा जब हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा। मैंने देखा था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ था, सिर्फ इस भावना को लेके हुआ था कि राष्ट्रीय संपदा बनाने के लिए, मजदूर मतलब लोगों के हितों के लिए जो पैसा था वो पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा था, तो पूंजीपतियों से बैंकों को छीना गया था। और हमारा आंदोलन, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अंबानी अडानी जैसे लोगों की संपत्ति भी इस देश की सरकार अगर बने तो हड़पनी चाहिए, और हमारे देश के मजदूरों के लिए, हितकारी लोगों के लिए
काम करना चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि 26 नवंबर की हड़ताल को कोने कोने में अपने अपने तरीके से फैलाएं और हमारे इस हड़ताल को सफल बनाएं। ये हड़ताल सिर्फ एक चेतावनी है, एक हमारा जो है गुस्सा है जो हमको प्रकट करना है, और इस सरकार को ये बताना है अगर नहीं माने तो और लड़ेंगे, नहीं माने और लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। और इस घोषणा पत्र का मैं पूर्णतः समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। इंकलाब।